तो हेलो गाइस, सब सबका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं नेक्सोमोन एक्सटिंक्शन। तो जैसा तुम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था कि पिछले एपिसोड में मतलब हम लोग यहाँ खतरनाक सी गिल्ड की सच्चाई जानने आए थे, मतलब गिल्ड ने क्या क्या कांड किए थे वो हम लोग को पता चला था। तो जिसको जानना है कि गिल्ड ने क्या क्या कांड किए थे तो पिछला एपिसोड देख लो, और जिसने देखा तो काफ़ी बढ़िया बात है, मतलब उसको तो पता ही है कि क्या क्या हुआ था। सो मेरे को एक और सवाल का जवाब मतलब तुम लोग को देने का है, क्योंकि मेरे मैक्सिमम कमेंट सेक्शन में मतलब ये सवाल आता है कि भाई ये गेम कैसे फ्री में खेलें ये सब। बट देखो, मैं मैक्सिमम गेम्स जो इसमें खेलता हूँ वो फ्री के नहीं होते हैं। जैसे ये नेक्सोमोन जो मैंने खेला था वो भी फ्री का नहीं था, नेक्सोमोन एक्सटिंक्शन भी खेल रहा हूँ वो भी फ्री का नहीं है, समझ रहे हो। तो एंड्रॉयड वाले को तुम लोग को पता होगा, एंड्रॉयड्स में मतलब थोड़ा सा ट्रायल मिलता है, मतलब तुम आधे दूर तक इस गेम को खेल सकते हो, उसके बाद नहीं चलता। तो बंदे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि भाई मेरा गेम नहीं चल रहा है, ये वो नहीं चल रहा है, तो भाई मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तुमने गेम नहीं खरीद रखा है तो नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। मैंने रिप्लाई भी देता हूँ बहुत बंदों को, बट भाई रिप्लाई कोई पढ़ता ही नहीं। आई डोंट नो क्यों नहीं पढ़ते भाई, या तो पढ़ने नहीं आता, आई डोंट नो। सो या मैं उसमें सीधा सीधा लिख देता हूँ कि भाई तुमने खरीदा है तो तुम्हारे में गेम चलेगा, नहीं खरीदे हो तो नहीं चलेगा, या कोई और रास्ता होगा तो हाँ तुम लोग देख सकते हो कोई और रास्ते से तुम लोग फ्री में वो गेम चला पाओ तो अच्छी बात है, तो भैया तुम लोग का पैसा बचेगा। बट मैं जहाँ तक बोलूँगा कि ये सब गेम्स तुम लोग को फ्री में नहीं लेने चाहिए, बिकॉज ये सब गेम्स जो भी तुमको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम गेम्स जो तुम फ्री पैसे वाले फ्री में डाउनलोड करते हो उसमें वायरस होता है। अब तुम लोग बोलोगे भाई मैं इतना सारा गेम खेलूँ आज तक मेरे को वायरस पता ही नहीं चला, तो कैसे पता चलेगा भाई तुम लोग को। बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो तुम्हारे फ़ोन का रैम खाते हैं, और रैम खा के बहुत सारे मतलब जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या तुम जो भी करते हो व्हाट्सएप पे चैटिंग वैटिंग या जो भी गूगल पे सर्चिंग वर्चिंग करते हो, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर बंदों को मिलती है, और वो इन्फॉर्मेशन तुम लोग को मतलब दूसरे कंपनियों को बेच के उन लोग पैसे कमाते हैं। तो ये फंडा रहता है फ्री गेम्स का, मतलब जो तुमको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जो होते हैं ना बहुत सारे हैकर बीकर जो गेम को फ्री में कर देते हैं, सो वो ऐसा करते हैं पैसा कमाने के लिए। मतलब या तुम लोग सोचते होगे कि भाई ये गेम अपने को फ्री में करके दे रहा है तो उसमें इसका कुछ अरे मतलब इसका फ़ायदा है कि नहीं है, मतलब फिर इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। बट उन लोग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, मतलब एक गेम को उन लोग फ्री में करते हैं, लाखों लोग उसको फ्री में डाउनलोड करते हैं, और इतने सारे में वही सेम एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है। इसी की वजह से तुम लोग देखे होगे कभी कभार तुम लोग का फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म भी करता है, और प्लस तुम लोग का फ़ोन हैंग भी होता है। तो या इसका रीज़न ही यही है कि तुम लोग अरे मतलब पैसे वाला गेम फ्री में डाउनलोड करोगे तो यही होगा। तो या आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा। तो या जो पैसे वाला गेम है वो पैसे में ही मतलब खरीद के खेलो तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि फिर कंपनी को भी सपोर्ट मिल जाएगा, फिर और बढ़िया बढ़िया गेम बनेंगे तो और आप बढ़िया बढ़िया गेम्स का मज़ा ले सकते हैं। तो हर चीज़ फ्री में मत देखा करो, फ्री में भी बहुत सारे गेम्स हैं, तो या तो उसको तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और मैं अभी लाने वाला हूँ, मतलब अभी आई थिंक सो मेरा स्टार वॉर्स लेगो ख़त्म होने वाला है वो सीरीज़, और एक और सीरीज़ है, हाँ ड्रैगन बॉल शायद ही ख़त्म होगा क्योंकि उसका काफ़ी एपिसोड अभी बचा हुआ है। तो या बट ठीक है, जैसे स्टार वॉर्स लेगो ख़त्म हुआ है तुम लोग के लिए मैं काफ़ी बढ़िया गेम देख रखा हूँ, और प्लस वो फ्री में है, मतलब वो तुम लोग को खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो उसकी मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। तो या आई होप तुम लोग के सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे, तो ठीक है। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। भाई साहब बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया, आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा भाई, नहीं तो फिर से कमेंट करो किस गेम को कैसे फ्री में डाउनलोड करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो या इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा, मतलब बहुत मैक्सिमम यही कमेंट्स आते हैं, दैट्स वाई मेरे को ऐसा कर बोलना पड़ गया आज के एपिसोड में। ओके, तो हमें बाहर जाना था एक्चुअल में, क्योंकि गिल्ड हमारे ऊपर हमला कर दी थी इस जगह पर, उन लोग को पता चल गया था कि हम इस बेस में आ चुके हैं, तो दैट्स वाई अभी हमें भागना है। बट मतलब लीडिया और वो लियो का बच्चा दोनों निकल लिए मेरे को अकेला छोड़ के, ये तो चीटिंग है, और ये फुटबॉल खेलने वाला बंदा इधर क्या कर रहा है। भाई तू भी निकल ले भाई, गिल्ड वाले आ रहे हैं तेरे को बहुत मारेंगे, निकल ले इधर से, दबिया निकल ले। ओके, ये क्या भाई धमाके बाहर, क्या आखिर हो क्या रहा है, मतलब इतने खतरनाक धमाके हो रहे हैं। ओके भाई, ये बल्ब लाइट को कोई घर में ले जाओ यार, मतलब या जिसको बल्ब चाहिए उसको उठा ले जाओ, तुम इसके साथ बात भी कर सकते हो, मतलब जीता जागता बल्ब है, क्या ही बोलना। ओके, अरे भाई काहे परेशान कर रहे हो यार, इसमें रैपल मेरे को कब मिलेगा मेरे को समझ नहीं आया, मतलब नेक्सोमोन में तो अपने को मिल गया था रैपल, बट काफ़ी ज़्यादा आगे मिला था, बट मिलना चाहिए कम से कम, देना तो चाहिए लोगों को रैपल। और बाहर हो क्या रहा है पहले मेरे को वो देखने का है, रैपल वैपल गया बाहर में, बाद में मिल ही जाएगा रैपल, बट फिर भी मिलना चाहिए यार, मतलब इन लोग फोकट के नेक्सोमोन्स कभी कभार ज़्यादा ही परेशान कर देते हैं जहाँ अपने को नहीं ज़रूरत होती है,
जैसे देख रहे हो यहाँ अपने को जरूरत नहीं है, फिर भी ये फोकट का बल्ब आया जा रहा है। मतलब आई नो भाई, ये बल्ब बोल रहा है कि मुझे ले जाओ अपने घर का बिजली बचाओ, बट ठीक है भाई, सबके पास इतने पैसे हैं कि अपने बिजली का बिल भर सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सो या ओ इधर से, उधर मैं गया हूँ ऑलरेडी, मुझे लगा कि इधर से कहाँ नया जंप मार सकते हैं। ओ ये तो है मेरे पास, डेरडे है, मैंने पकड़ा था पिछले एपिसोड में आई थिंक सो। तो ये काफ़ी बढ़िया, मतलब मैंने सुना कि ये काफ़ी बढ़िया इवॉल्व होता है, इसलिए मेरे को इसको इवॉल्व करने का है। ओके तो यहाँ क्या चल रहा है भाई, कि इधर कोई ड्रैगन अटैक हुआ या सच में गिल्ड ही आया? इन लोग बोल रहे थे गिल्ड का हमला हुआ है, बट गिल्ड तो दिख नहीं रही है। द सेंट्रल गेट आर ओपन, ओके तो सेंट्रल गेट ओपन हो गया है। दिस मस्ट बी क्या एमिली, ओनली सी हैज एक्सेस दैट रूम, ओके ठीक है भाई साहब। मतलब सेंट्रल जो भी आई थिंक सो मैन मैन गेट होगा, वो सिर्फ एक ही बंदा एक्सेस कर सकता है, वो एमिली है, और वो खुल चुका है। तो ये पक्का कुछ दाल में काला है, मतलब इसने जैसे अपने को पिछले एपिसोड में बताया था कि ये सारा कांड एमिली का किया धरा है। या भाई साहब कैसे कैसे लोग रहते हैं इसमें। हे वेयर आर यू गोइंग, वी शुड जस्ट लीव, ओके बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमें इधर से निकल लेना चाहिए। वैसे कोको का आइडिया हमेशा बढ़िया रहता है, बट फिर भी हम यहाँ मतलब दुनिया को बचाने आए तो हम कैसे जा सकते हैं। दिस इज माई चांस टू एंड दिस, इफ़ आई कॉन्ट डिफीट एमिली नाउ, ओके बोलती है कि यही मेरा मौका है उसे हराने का, कहीं मैं एमिली को नहीं हरा पाई तो आई विल स्टॉप हर फ्रॉम क्रिएटिंग एनी मोर एब्रेशंस, ओके तो बोलती है मैं अभी उसे रोक दूंगी कि और ज़्यादा एब्रेशंस ना बन पाए। ओके मैक्सवेल किंग, दिस इज द क्या डिसाइसिव मोमेंट ऑफ योर लाइफ, स्टैंड अप एंड फाइट फॉर द रन लाइक अ कोवर्ड, ओके तो ये तुम्हारा मतलब डिसीजन का टाइम है, या तो तुम हिम्मत से लड़ो या तो फिर क्या बोलते हैं डरपोक की तरह इधर से भाग लो। भाई साहब मैं डरपोक तो हूँ नहीं, मतलब आज तक इतने जितना भी एपिसोड बनाया उसमें इतने सारे बंदों से मैंने लड़े, इतने सारे लोग ने मुझे मतलब कहा कि तू कमज़ोर है, बट आज तक मैंने कभी हार मानी नहीं, तो आज कैसे हार मान सकता हूँ। या सो लेट्स गो भाई, मैं तो कावर्ड नहीं हूँ, मैं तो लड़ेगा। अकेले लीडिया निकल ली भाई, ये क्या दोनों सोच में भाई, अरे कम सोचा करो यार, निकलते हैं चलो। सो वी शुड लीव आर के तो बोलता कि हमें इधर से निकल लेना चाहिए। भाई कोको तुझे लगता है मैं निकल जाऊंगा, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट, ओके बोलता है कि आखिर मतलब क्या था इसका। यू हियर्स योर बॉस इज सुपर क्रेजी, ओके बोलता है कि तुमने सुना तुम्हारा बॉस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऑफकोर्स भाई एमिली खतरनाक है, सी मेड द डेंजरस क्या मेड अ ड्रैगन एंड नाउ दिस, ओके तो उसने ड्रैगन बनाया और अभी देखो। बट वॉट इफ यूर न्यू क्रिएशन एक्चुअली वर्क दिस टाइम, अच्छा तो कोको की बात तो सही है, मतलब वो अभी किस क्रिएशन पे काम कर रही है, ये बात तो सही है। ओ या इफ इट्स सो गुड देन वी कीप इट सीक्रेट, हम ओके बोलता है कि ये काफ़ी बढ़िया रहा तो हम इसे मतलब सीक्रेट रखेंगे, मतलब छुपाए रखेंगे। हाँ मतलब हर बार फेलियर तो नहीं होता है, तो क्या पता। आई हेल्प लीडिया स्टे अवे फॉर इफ यू वॉन्ट, ओके तो बोलता है कि मैं लीडिया की मदद करूँगा, तो या तुम्हें इससे दूर रहना तो रह सकते हो, तुम्हारी मर्जी। नहीं भाई हम भी आ रहे हैं यार, हमारे लिए रुक जा, कोको चल ले। नहीं चलेगा कोको तो फिर तेरे को बिल्ला बना बांध के ले चलता हूँ, और क्या। ओके आर वी दैट बैड गाइज, ओके बोलता है हम क्या बुरे बंदे हैं, आई डोंट नो। ओके दिस विल बी एंड ऑफ आवर करियर्स, ओके बोलता है कि ये हमारे करियर का आखिरी टाइम है भाई साहब, वो बात तो सही है, बट पता नहीं, बट हम लोग का गिल्ड मास्टर बनने का तो सपना टूट गया। ओ लीडिया को उसने भर डाला, वह दहेक भाई एमिली के पास कौन सी पावर भाई लीडिया को टपका दी, जबकि लीडिया के पास हीरोज था और एमिली के पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है। हैं मैक्सवेल किंग स्टेप अवे फ्रॉम द क्या रेडिगस, ओके बोलते कि उससे दूर रहो। सी हैज क्या She has decided you sorely word of trouble this criminal. Okay, ठीक है, वैसे मेरे को उस वर्ड का मतलब नहीं समझ आया, इसलिए मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं किया, तो या समझा करो। ओके प्रसर यू आर लिसन टू योर फ्रेंड इंस्टेंट, ओके तो तुम अपने दोस्त की बात मानो। ओके भाई साहब बट कौन से दोस्त की, अरे what the heck? ये दोनों जादूगर कब से बन गए, मतलब मुझे नहीं पता था इन लोगों के पास भी टेलीपोर्टेशन की पावर है। व्हाट दे आर डूइंग हियर, हाँ मतलब इन लोग क्या कर रहे हैं इधर। रोज नोरा हियर मी आउट, ओके रोज नोरा मेरी बात सुनो,
मैक्सवेल किंग हैज अ ब्रेन वॉश बाय द डेंजरस रिग्रेट्स। ओके, तो ये तो भाई बहुत खतरनाक लौंडिया भाई, दल बदलू लौंडिया है भाई। क्या पका रही है उन दोनों को, मतलब नोरा और रॉक्सी को? भूल रही है कि इसका ब्रेन वॉश किया गया, मतलब इसका मतलब ब्रेन वॉश का हिंदी में मतलब क्या होता है? हैं, आई डोंट नो, आई थिंक तो या मतलब उन लोग के द्वारा जो डेंजर रिग्रेट्स मतलब क्या होता है, आई थिंक सो ये होता है ना, रिग्रेट्स मतलब दुश्मन कह सकते हैं सिंपल से भाषा में, और क्या ही कहें। सो सबड्यू देम, टेक देम टू द गिल्ड एट वंस। ओके, तो तुम दोनों उन्हें गिल्ड में ले चलो। ओ भाई साहब, आई नो दैट यू आर द अप समथिंग सेडी मैक्सवेल किंग। ओके, बोलता है कि मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करोगे मैक्सवेल किंग। भाई इसकी आंखें लाल क्यों हैं, आई डोंट नो, मतलब या एंड यू टू कोको, और तुम भी, यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट प्रमोटेड। ओके, तो बोलता है कि हाँ तुम बस प्रमोशन के लिए कर रहे हो ना, वैसे हाँ मेरे को तो लग रहा है प्रमोशन के लिए कर रहा है। ओके दैट्स इट, ओके ठीक है भाई साहब। ये हमारे सामने चाय कम पानी यार, काई क्यों इसको भेज दिया, मतलब ये हमारे सामने क्या है ना, अल्लाह फल्ला हमको इससे लड़ने को बोल रहे हो? अरे टैलेंट वैलेंट लेके आओ यार, क्या बेवकूफ़ को लेके आ गए लड़ने के लिए, मतलब या ये हमारे सामने सबसे ज़्यादा कमज़ोर बंदा है। वैसे अपन फर्स्ट टाइम आई थिंक सो इससे लड़ रहे हैं, या आई थिंक सो इससे फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं अपन। ओ इसके पास कैमलोक्स है, ठीक है, अच्छी बात है भाई साहब। ओके, तो ये मेरे को क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक टाइप है, मेरे को ग्रास टाइप चाहिए, तो डेविड को बुला लेते हैं। ये क्या था, आई डोंट नो कौन सा अटैक था भाई, दबिया तो करते हैं इसके ऊपर बुलेट सीड, क्योंकि भाई ये भाई डेविड तू कब अच्छा अटैक सीखेगा यार ब्रो, अभी तक बुलेट सीड ही कर रहा है, मतलब या कभी तो बढ़िया अटैक सीख ले डेविड के बच्चे। वाह भाई साहब, ऐसे स्टाइल वाले ही नेक्सोमोन लेके घूम रहा है लौंडा, मतलब खुश तो स्टाइलिश ही है, आई नो मैं भी स्टाइलिश हूँ, बट ये कुछ ज़्यादा स्टाइलिश बन रहा है, मेरे को ऐसे लौंडे नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। ओके, रिकवरी तो कर नहीं सकता बिकॉज बहुत नल्ला एच पी रिकवर करता है, 8% एच पी का क्या ही करूँगा मैं। सो मैं सोच रहा हूँ कि सुपर बॉय को बुला लिया जाए, नहीं वुल्फी को बुलाते हैं, वुल्फी को इवॉल्व भी तो करने का है ना, या लेट्स गो वुल्फी, नॉर्मल वर्सेस नॉर्मल टाइप, कौन जीतेगा, पाल फ्यूरी। ओ भाई साहब लौंडा ताकतवर है, बट अपने वुल्फी के सामने ये कुल्फी खाएगा, वैसे डायलॉग बढ़िया था, वुल्फी के सामने कुल्फी, लेट्स गो। ओके, एक और पाल फ्यूरी, भाई साहब अपना वुल्फी सचमुच कुल्फी खिलाने वाला बंदा है, इसको कुल्फी की दुकान खोल लेनी चाहिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये कुल्फी की दुकान खोल के क्या करेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके म्याओ कैट, लेट्स गो, आखिर तेरा काम आई है गया, तो म्याओ कैट का बहुत कम ही यूज कर रहा हूँ आजकल। ओके गस्टी स्टॉर्म, लेट्स गो, बहुत बढ़िया, सही बोल रहा हूँ, इसके पास सारे नेक्सोमोन स्टाइल मारने वाले ही हैं, मतलब या खुद तो स्टाइल मारते ही, इसके नेक्सोमोन भी स्टाइल मारते हैं भाई, ताकतवर नेक्सोमोन लाएगा स्टाइल वाले नहीं। ओके 28, ओ भाई साहब, ओहो अपना ड्रैग रॉक इतना लेवल अप क्यों हो रहा है, आई डोंट नो, बट ठीक है। तो ड्रैग रॉक ने एक नया स्किल सीखा, रिड्यूस क्रिटिकल हिट चांस ऑफ अपोनेंट स्किल बाय 60%, बकवास है यार, अभी कभी तो ढंग का अटैक सीख ले भाई, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को डैमेज वाला अटैक चाहिए। ओके रोज, रोज की हालत पचका हो गई, बट फिर भी, आर यू क्या आउट ऑफ माइंड मैक्सवेल किंग। ओके बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो गया मैक्सवेल किंग, वैसे मैं बेवकूफ दिखता हूँ बट हूँ नहीं, या यू नो हाउ टू ट्विस्ट द रिग्रेट्स आर डोंट बी फूल। ओके तो बोलता है कि तुम जानते हो कि उन लोगों को कैसे मतलब रिग्रेट्स को छोड़ना है, तो या बेवकूफ़ मत बनो, आई विल फाइट यू इफ आई हैव टू मैक्सवेल किंग। ओके बोलते हैं कि तुम नहीं आओगे तो मुझे भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है देखते हैं कौन, वैसे तो ये भी मेरे इतना ताकतवर नहीं है, तो ये अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हराने में अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे डेविड की हालत खस्ता है, तो किसको यूज कर सकती है, वाटर टाइप है और डेविड ही है बस, ठीक है डेविड ही यूज करना पड़ेगा, लेट्स गो डेविड, हरा दे भाई, नहीं हरा पाए फिर तो क्या ही बोलना तेरे बारे में। ओ डैमेज के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं, वो द हैक, ठीक है रिकवरी, अब डैमेज हो गया, ठीक है वुल्फी लेट्स गो, पाल्म फ्यूरी, अरे वो बकरा कहाँ से उठा रहा है बे, हैं वो भी हेलमेट पहना हुआ बकरा, नहीं हेलमेट नहीं पहना है, बस हेलमेट जैसा लग रहा है, बट ठीक है। ओके तो अपने को सी आउल बुला लेना चाहिए,
मेरे से उल्लू बाहर आ जा, मतलब पानी वाले उल्लू, क्या बोल रहा हूँ, ये उल्लू क्यों है आई डोंट नो, बट ठीक है उल्लू है। एक्सप्लोजिव वाटर के भाई साहब, ठीक है नॉट बैड भाई, तुम नेक्सोमोन बदलते रहो, हम भी बदलेंगे, हमारे पास भी नेक्सोमोन भर भर के हैं। तुमको क्या लगता है हमारा सुपर बॉय जब आता है ना तो इंसिनरेट से ही जिंदगी सबकी बर्बाद हो जाती है। लेट्स गो, मैं जानता था। और फायर स्टिग्मा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और क्या। ओके तो अपना सी आउल तो मारा जा चुका है, मियाओ कैट को बुलाते हैं। चलो बिल्ली, पहुंचाते हैं इसको दिल्ली। वैसे ये दिल्ली गया होगा आई डोंट नो, बट ठीक है क्या ही फ़र्क पड़ता है, दिल्ली जाए कहीं भी जाए, अपने उसकी ज़िंदगी उसकी मर्जी। ओके एक और गस्ट स्टॉम्प, लेट्स गो, बहुत बढ़िया। हेलो बकरे, तेरे लिए मैं उल्लू लेके आता हूँ, मतलब बकरे के लिए उल्लू, क्या बात है, मतलब क्या ही बात है। बकरा भी सोचता होगा कि मेरे को उल्लू बना रहा है, बट भाई मेरा नेक्सोमोन ही उल्लू है तो तेरे को उल्लू बनाने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। ओके इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने पास जेविड तो मारा गया है तो अपने को सी आउल के साथ जाना पड़ेगा, बट सी आउल का हेल्थ की वाट लगी पड़ी है। चलो ठीक है एक्सप्लोजिव वाटर से काम हो जाना चाहिए। लेट्स गो भाई साहब, मिस हो गया अटैक, बहुत बढ़िया अपना सी आउल। ओ सेकंड मिस भाई साहब, क्या बात है, क्लच पे क्लच। ओ थर्ड मिस, ओ भाई वो क्यों मिस किया भाई, मतलब मैं क्लच मार रहा था ना तो वो क्यों क्लच मार रहा है। लेट्स गो भाई, कोई फास्ट अटैक है क्या मेरे पास, एक्सेलरेट 75 85, लेट्स गो ये करते हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या क्लच मारा यार सी आउल ने इस बार, तीन तीन अटैक मिस किया। और ड्रैक रॉक भाई तू क्यों इतना ज़्यादा लेवल अप हो रहा है, आई डोंट नो बट हो रहा है। ओ थर्ड एवोल्यूशन, लेट्स गो बॉय, कैसा दिखेगा थर्ड एवोल्यूशन में, आई थिंक सो मैं जानता हूँ, या मुझे पता था मैं जानता हूँ, बट फिर भी अपना थर्ड एवोल्यूशन हो गया तो काफ़ी बढ़िया है। कुछ नया अटैक सीखा क्या बेवकूफ़ कहीं का, कुछ नया नहीं सीखा, ठीक है। गॉडनेस टू थिंक दैट यू आर ग्रोन सो स्ट्रॉन्ग मैक्सवेल किंग, ओके तो बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए मैक्सवेल किंग। ऑफकोर्स भाई साहब इतने सारे टैलेंट से लड़ा तो ताकतवर ना हो तो फिर मतलब नहीं मेरा। आई डोंट वॉन्ट टू बी फाइट, ओके तो बोलती है कि मेरे को लड़ाई नहीं करना है। डोंट यू सी दैट वॉट लीडिया हैज़ डन टू यू, ओके तो तुमने देखा नहीं कि तो लीडिया तुम्हारे साथ क्या किया, लीडिया ने मेरे साथ क्या किया, आई डोंट नो मुझे तो नहीं पता, मतलब अभी तक किसी ने कुछ गड़बड़ तो किया नहीं है मेरे साथ। ऑफकोर्स इट वॉज आई हु क्रिएट द ड्रैगन्स, ओके बोलती हैं हाँ ऑफकोर्स मैंने ही ड्रैगन्स को बनाया है, चलो ठीक है अपनी बात गलती मानती है, अच्छी बात है। दे वी आर ओनली होप टू सर्वाइव अगेंस्ट द टेरेंट, ओके बोलती है कि वही हमारे आखिरी होप थे कि हम टेरेंट्स के सामने जिंदा रह पाएँ। बट आफ्टर टारगेटिंग फ्रॉम द 15 ईयर अगो, ओके तो बोलती है कि फिर हमारे हमारे ऊपर टारगेट हुआ था 15 साल पहले। आई टर्मिनेट अवर रिसर्च, सिंपल एज दैट, ओके तो उसके बाद इसने अपना रिसर्च रोक दिया था, ठीक है। वॉट प्रूफ डिड विद दिस वुमेन गिव दैट आई क्रिएट अ वर्डोस, ओके तो बोलती है कि इस वुमेन ने तुम्हें क्या, औरत ने क्या प्रूफ दिया है कि मैंने वर्डोस को बनाया है। वेडोस है कौन पहले तो बताओ, है कौन भाई वेडोस मेरे को बता दो। आई नेवर मेंटेन वेडोस नेम, ओके तब हाँ उसने नाम तो नहीं बताया था, ये तो काफ़ी बड़े मतलब हमको वही तो मैं भी सोच रहा था वेडोस है कौन अपने जाल में खुद ही फंस गई भाई साहब ओ भाई 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 क्या ही बोलना बहुत हार्ड भाई साहब बहुत हार्ड लीडिया ओपी बोलते हैं ओ भाई 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 क्या फंसा दिया, मतलब वो अपने मुँह से खुद ही कबूल कर ली, क्या बात है भाई, लेट्स गो भाई को बोल रहा है कैसी बेवकूफ है ओ भाई 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 अब बोल एमिली की बच्ची, सो इट्स ट्रू, ओके बोलती तो ये सच है। यू लाइज टू अस, ओके तो तुमने हमसे झूठ बोला। यू चिल्ड्रन आर सॉर्ट ऑफ साइंट क्या शॉर्ट सीटेड, ओके तो तुम बच्चे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो ऐसा कहना चाहती, आई थिंक सो। आवर वर्ल्ड क्लम्बर्स एज वी स्पीक टू टैरेंट टुक एवरीथिंग फ्रॉम अस, ओके तो बोल रही है कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो अभी टैरेंट है जो हमारी सारी चीज़ें ले रहा है। आई विल डू वॉट आई मस्ट टू क्या परम फॉर ह्यूमैनिटी फॉर यू, ओके तो बोलती है कि मैं जो कर पाऊँगी वो करूँगी इंसानियत के लिए और तुम्हारे लिए। और द हैक बट अब ड्रैगन बनाना इंसानियत के लिए अच्छी बात है, मतलब तुम ही एक ऐसा हथियार बना दो कि इंसानियत की वाट लग जाए तो काफ़ी बढ़िया बात है, मतलब या लेट्स गो एमिली फिर तो अच्छी बात है, मतलब क्या ही बोलना। द ड्रैगन्स
वेडोस आई विल क्रिएट एवरी थिंग टू सेव आवर पीपल्स। ओके, तो बोलती है कि मैंने वो ड्रैगन बनाया और वेडोस को बनाया सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए। फिल आवर प्लैनेट विद क्या अबेंट एबडूमेंट्स वुड नॉट सॉल्व एनी थिंग। ओके, तो बोलती है कि ये सबसे हम मतलब हमारे दुनिया पे ये सब बनाने से सब कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। वैसे एबडोमेंट्स का मतलब क्या होता है मेरे को नहीं पता, सो समझा करो। आई विल शो यू। ओके, बोलती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ। व्हाट एब्सुमेंट कैन डू। ओके, तो व्हाट भाई सब एब्सुमेंट है कौन ये तो बताओ। वेडोस कम टू मी। वेडोस भाई सब वेडोस है कौन ये तो बता दो। वैसे बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी बढ़िया है, फिर धमाके चालू भाई साहब। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना बढ़िया बजाने के बाद फिर धमाके करने का जरूरत थी। वेडोस कहाँ है तू। अरे लौंडे दिखा दे अपना धोपड़ा मेरे को, देखने तू कैसा दिखता है। हेलो वाइट पर्दा हड़िया। ओ भाई डीएम कूल। ओए अबे भाई तू टेलीपोर्ट में टेलीपोर्ट क्या बोलते हैं यार इसको, कोई डायमेंशन से निकल रहा है। व्हाट इज द वर्ल्ड। ओके, बोलते हैं क्या क्या चल रहा है आखिर इस दुनिया में। वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ क्या चल रहा है, तो क्या ही बोलना। What the heck is this thing? Okay, ठीक है। That's not a Nexomon, definitely not a Nexomon. Okay, बोलता है ये Nexomon तो नहीं है, पक्का ये Nexomon नहीं है। Of course, भाई नहीं है, उसका थोपड़ा देखो। In Alzar name, what do you done, Emily? इन लोग Alzar का नाम क्यों लेते हैं भाई, मैंने इस दुनिया को बचाया था, मेरा नाम लो यार Alzar की, क्या ही बोलूँ मैं। तो यार बोलते कि तुमने क्या कर दिया ये। रोज नोरा मैक्सवेल किंग। I will regret that had to come to this. Okay, बोलती है कि मैक्सवेल किंग नोरा मतलब ये सब के लिए तुम regret करोगे, मतलब पछताओगे, बट हम लोग क्यों पछताएंगे तो बता दी होती। ओ डीम कूल बॉय, ये बात है क्या Nexomon है ये। Nexomon वैसे तो नहीं है बट ठीक है, कितना कूल लग रहा है। ठीक है, बिहोल्ड दिस इज द क्या क्लॉमिनेशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ रिसर्च एंड हार्ड वर्क। ओके, तो बोलती है कि मेरी जिंदगी का टाइम मतलब जो भी इसने लाइफ टाइम अपना वेस्ट किया है रिसर्च में और हार्ड वर्क में, वो इसका नतीजा है। ओके, द अल्टीमेट वेपन टू एंड दिस स्टूपिड वॉर एंड सेव्ड मैनकाइंड। ओके, ठीक है, एक ऐसा हथियार जो मतलब इस वॉर को रोक पाएगा और मतलब मैनकाइंड को बचा पाएगा, इंसानियत को बचा पाएगा। क्या बात है, मतलब देख के तो नहीं लग रहा है, मतलब ये हमसे लड़ रही है तो हम भी तो इंसान ही है ना, तो ये तो गलत है, मतलब हमको बचाना है ना, तो फिर लड़ क्यों रही है हमसे। दिस वेडोस द आर्टिफिशियल टैरेंट। ओके, वही मैं सोच ही रहा था कि टैरेंट जैसा दिखता है, तो या ये आर्टिफिशियल टैरेंट है। ठीक है, अ शील्ड टू प्रोटेक्ट ऑल ह्यूमंस। ओके, तो एक ऐसा शील्ड जो इंसानियत को बचा पाए। अ स्वॉर्ड टू स्ले ऑल टैरेंट। ओके, तो एक ऐसा तलवार जो टैरेंट को ख़त्म कर पाए। भाई साहब डायलॉग्स तो बड़ा भारी भारी मार रही है, मतलब लेट्स गो। विथ अ वेडोस वी विल टेक बैक आवर प्लैनेट एंड आवर फ्यूचर। ओके, तो बोलती है वेडोस के साथ हम अपने प्लैनेट को मतलब अपनी दुनिया को वापस पा लेंगे और अपनी फ्यूचर को भी बचा लेंगे। ओके, एंड आर्टिफिशियल टैरेंट दिस वुमन इज अ सुपर मैसअप। ओके, वो बात तो है भाई साहब, क्या ही बोलना। यू विल डूम अस ऑल एमिली। ओके, बोलते हैं तुमने ये बहुत गलत किया एमिली। इट शुड नॉट हैव एंड दिस वे। ओके, तो बोलती है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। गुड बाय मैक्सवेल किंग। ओके, ठीक है, तो ये क्या सिर्फ स्टाइल मारने के लिए आई थी, मुझे लगा था कि हमसे लड़ेगी, बट ठीक है सिर्फ स्टाइल मारने के लिए दिखा रही थी, ये तो गलत है हम तब या। चलो देखते हैं वैसे एमिली बचा पाती इसको कि नहीं दुनिया को, मतलब उसने इतना ज़्यादा रिसर्च किया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की 15 साल से ऊपर और वेडोस को बनाया, तो ये क्या सचमुच दुनिया बचा पाएगी और फिर हम आसमान की ऊंचाइयों से ज़मीन की ऊंचाइयों में क्यों जा रहे हैं, हमें कोई बताएगा और हमें बचाएगा कौन। पहली बात तो ये है, हेलो, अरे हमें कोई बचाएगा, सब बेहोश पड़े हैं। वेक अप बर्ड्स इट्स नाडिन। ओके, अरे अपनी नाडिन, लेट्स गो भाई, कम ऑन, यूज़ माई पावर मैक्सवेल किंग। ओ नाडिन का पावर यूज करने के लिए बात कर रही है। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव यूज़ माई पावर। ओके, कहीं तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी पावर यूज करो। भाई साहब ये वेंटेरा हमारी मदद क्यों कर रही है, मेरे को समझ नहीं आया। नाडिन वेंटेरा ही तो है, उसकी पावर ऑफ विंड की बात कर रही है, बट मुझे नहीं समझ आया ये हमारी मदद कर क्यों रही है, मतलब वो तो हमारे दुश्मन थे ना Nexomon में। या
इट सीम्स लाइक यू कांट हियरनेस मच ऑफ माई पावर येट। ओके, तो बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा पावर अभी सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट दिस इज आउट टू बी इनफ टू सेव यू एंड योर फ्रेंड्स। ओके, बोलती है कि इतना काफ़ी है, मतलब तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों को बचाने के लिए। आई थिंक, मुझे लगता है। प्रिपेयर फॉर रफ लैंडिंग। ओके, तो तैयार हो जाओ खतरनाक लैंडिंग के लिए। लेट्स गो भाई साहब। वैसे खतरनाक लैंडिंग में क्या होगा, मुझे बताएगा कोई? खोपड़िया तो नहीं टूटेगी ना, मतलब इतने ऊँचे से गिरे तो खोपड़िया तो टूटेगी, बट फिर भी अपने पास नाडिन की पावर थी। ये मत बोलना ये फ्रोजन ठंडरा है, मेरे को लग रहा है फ्रोजन ठंडरा है। आई थिंक सो। वैसे हम लोग ये गिरे कहाँ? आई थिंक सो ये नेक्सो लॉर्ड टावर है। आई थिंक सो, बिकॉज स्टैचू देख कर तो ऐसे लग रहा है। ओ अच्छा, वही मैं नाडिन वेंटेरा नहीं है, नाडिन वो थी, क्या नाम है इसका, एक्वा। वाह, मैं भूल क्यों गया था, कैसे मैं भूल गया था। हे यू, वेक अप किडो, उठो बच्चे। आर यू गोना मेक मी ड्रैग यू ऑल द वे होम। ओके, तो तुम मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हें पूरा उठा के तुम्हारे घर तक ले चलूँ? वैसे मेरा घर का रास्ता इसे पता है। ओ भाई साहब, ये क्या चल रहा है भाई, हमें गिरा के ले जा रही है, गुस्से में भी है। ओ भाई साहब, ओ भाई, नाडिन कब से अच्छी बन गई भाई, मतलब यार मेरे को यकीन नहीं होता नाडिन, बट नाडिन जिंदा है। बात तो ये है, मतलब अपना जो फायर वाला बंदा था वो मारा गया था, और प्लस वेंटेरा भी आई थिंक सो मारी गई थी, उन दोनों के सिर्फ स्पिरिट्स मिले थे, और नाडिन अपने को बचाने आई, तो आई थिंक सो नाडिन जिंदा है। या मतलब एक्वा जिंदा है, सिंपल सी बात है। तो क्या ये जो अपना लीडिया है, ये उन लोग के साथ काम कर रही है क्या? मेरे को तो लग रहा है आई थिंक सो उन लोग के साथ काम कर रही है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार उन लोग से बात करते हैं। हेलो भाई, क्या चल रहा है इधर? ओ हे, यू आर वेक अप, अच्छा तो तुम जाग गए। वेडोस इज एमिली ट्रम्प कार्ड टू स्ले ऑल द टैरेंट। ओके, तो वेडोस एमिली का एक मतलब ट्रम्प कार्ड है जो टैरेंट्स को ख़त्म करने के लिए। दैट्स अ गुड थिंग, इज नॉट इट वी फाइनली गेट टू रीड दैट टैरेंट। ओके, तो बोलता है हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है कि हम लोग फाइनली उस टैरेंट से हमको छुटकारा मिलेगा। हाँ, बात में तो इसके दम है, मतलब या राइट, यस ऑफ कोर्स, दैट वॉज वी सेड अबाउट द ड्रैगन्स, लुक वेयर द लैंड अस लिटरली। ओके, तो बोलती है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, ऐसे ही हमने ड्रैगन के टाइम पे भी कहा था, बकल अभी देखो क्या चल रहा है, मतलब या गाइस, वे आर यू इन साइड अ गिल्ड आउटपोस्ट, इस एमिली टॉफ। ओके, बोलता है कि हम लोग एक गिल्ड के आउटपोस्ट में क्या कर रहे हैं, मतलब ये एमिली का अड्डा है, ऑफकोर्स भाई उसका ही राज चलता है, गिल्ड पे सारे उसी का काबू है। फेयर नॉट, इट सीम्स एमिली हैज गॉन अ मिसिंग आफ्टर आवर लास्ट इनकाउंटर। ओके, तो बोलते हैं कि डरने की बात नहीं है, हमारे लास्ट मतलब आखिरी बार मिलने के बाद एमिली मतलब गायब है, पता है कहाँ गायब हो गई, ये तो बात समझ नहीं है, मतलब उसको वो तो गई थी टैरेंट को ख़त्म करने ना, तो फिर वो गायब कैसे हो गई, बात तो ये है। आई कैन ओनली अज्यूम दैट सी बिजी वर्क आउट वेडोस। ओके, तो बोलती कि मुझे लगता है कि वो बस वो वेडोस के साथ आई थिंक सो काम करने में ज़्यादा बिजी होगी। यस, नोबडी सीम्स टू बी क्या अपकमिंग आफ्टर अस, वी आर सेफ। ओके, तो बोलती है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, कोई हमारे पीछे आ तो नहीं रहा है, तो हम लोग सेफ हैं, मतलब या सुरक्षित हैं। आई सी, वी आर स्ट्राइक बिफोर सी स्ट्राइक अस, आई एम नॉट गोना स्टैंड हर। ओके, तो बोलता है कि हम उसे पहले ही मार देंगे, मतलब उसके खड़े होने से पहले और हमें मारने से पहले। ठीक है भाई साहब, ये तो काफ़ी बढ़िया आइडिया है वैसे इसका। यस सॉरी किड, एंड वेयर द हेक यू डू थिंक एमिली इज हाइडिंग। ओके, तो बोलता है कि ठीक है बच्चे, बट तुम्हें क्या लगता है कहाँ एमिली छुपी होगी? इट्स कुड बी एनीवेयर। ओके, तो बोलते हैं कि कहीं भी हो सकती है। We must split up. We need to look for clues. We hope discover or क्या where both before is too late. Okay, तो बोलती है कि हमें अलग हो जाना चाहिए और हमें मतलब clues को ढूंढना चाहिए, मतलब पूरा चेक करना चाहिए कि वो कहाँ है और मतलब ज़्यादा लेट ना हो जाए। Max Wilking, you should rest while we research for Emily location. Okay, तो बोलती है कि तुम थोड़ा आराम करो, हम Emily का location ढूंढेंगे। All right then, it's payback time. Okay, तो बोलता है ठीक है, तो ये कर्ज चुकाने का टाइम है। बस वैसे हमने इसके साथ किया क्या था जो हमारे पर उसका हमारा पर कर्ज है जो वो चुकाने वाला, आई डोंट नो, आई थिंक सो मैंने उसकी जान बचाई थी, आई थिंक सो, पता नहीं, बट ठीक है। रिमेंबर टू कीप दिस सीक्रेट, मोस्ट टीमर वुड नॉट टेक काइंड अवर अचीवमेंट्स अगेंस्ट एमिली। ओके,
तो बोलती है कि इसे मतलब सीक्रेट ही रखना, किसी को बताना मत, मतलब बहुत सारे जो गिल्टेमर्स हैं मतलब वो नहीं मानेंगे और या हमारी वाट लगा सकते हैं, बिकॉज वो तो एमिली के ही राज में काम करते हैं गिल्ड के सारे लोग। यस दिस विल सोरली ब्लो माई चांस फॉर प्रमोशन। ओके, बोलता है कि भाई साहब इसके वजह से मेरा प्रमोशन की वाट लगने वाली है। ऑफकोर्स भाई लगने वाली है। और रोज फॉरगेट अबाउट दैट। ओके, बोलती है कि उसे के बारे में भूल जाओ। If we don't find her location, she gonna be come after us soon or later. We don't have a choice. क्या choice here? Okay, हाँ बात तो इसके दम है, मतलब हम कहीं उसके location को नहीं ढूंढेंगे मतलब या जल्दी तो वो हमारे ऊपर आ जाएगी। कहीं वो बेल्डोस का पूरा पावर यूज कर पाई तो फिर हाँ वो हमारी वाट लगा सकती है, पता नहीं क्यों बट लगा सकती है। आई डोंट नो उसको हम लोग से क्या प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों है बट है। आई डोंट नो क्यों है, वैसे कोई रीज़न ही नहीं है, मतलब क्या ही बोल रहा हूँ उसको, आखिर हम लोग से प्रॉब्लम क्या है मिली को, पता नहीं। हे मैक्सवेल किंग, वी आर इन अ फ्रोजन थंडरा। मुझे पता था, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नेक्समोन खेल रखा है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। सो या इट्स अ डेंजरस अराउंड हियर। ओके, तो बोलती है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। टेक दिस विल यू। ओके, तो इसे लेना, एक्सपीरियंस कोर दे देती, दांत फाड़ने क्या जरूरत है। सॉरली यू यूज कोर बाय नाउ। ओके, तो बोलती है कि तुम अब इस कोर को यूज कर सकते हो। एनी वे आई मैसेज यू इफ़ यू फाइंड एमिली लोकेशन। ओके, बोलती है ठीक है कुछ भी हो, मैं मुझे जब एमिली का लोकेशन पता चलेगा तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। भाई साहब मेरे पास फ़ोन है मतलब, या मैं मैसेज यूज करना जानता हूँ। आई डोंट नो फ्रोजन थंडरा हूँ। अपेरेंटली दिस इज़ अ मेरेबल टाउन बिकॉज इज ऑलवेज अंडरसाइंड बाय वाइल्ड नेक्समोन। ओके, तो बहुत अच्छा, फ्रोजन थंडरा ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नेक्समोन से घिरा हुआ शहर है। भाई साहब मेरे को तो पता है बट ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है बट ठीक है, अच्छी बात है। आई बेट दैट अ बंच ऑफ क्विस्ट फॉर अस टू डू। ओके, बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्विस्ट हो सकते हैं हमारे लिए करने लायक। या मेरे को लग तो रहा है मतलब शुरुआत में गिल्ड में ही एक क्विस्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ देख रहे हो तो। या तो आज का एपिसोड इधर तक रखते हैं, अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हम एमिली का लोकेशन ढूंढ पाते हैं, एमिली को हरा पाते हैं या उसको रोक पाते हैं या उसका वेल्डोस चुरा पाते हैं। उसे वेल्डोस चुराने का आइडिया अच्छा है मतलब। या तो या आई होप ये एपिसोड तुम लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक मार देना, चैनल पर नया आया हो ऐसे एपिसोड देखना पसंद है तो सब्सक्राइब मार देना। तो या आज के एपिसोड में बस इतने, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय, सायोनारा, और फिर मिलेंगे दोबारा।